अच्छी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। ओस्कर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की नियमित सेवाएं अब बाड़ा में भी शुरू होने जा रही है। लगभग सभी पैनल के साथ ओस्कर हॉस्पिटल ने अपनी ब्रांच की शुरुआत की है, ताकि जो आम जो लोग हैं, जो गांव के जो लोग हैं, उन्हें चिकित्सक सुविधाएं समय पर मिल सके। ओस्कर सर। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश फोगाट है। चरखी दादरी में हमने ओस्कर की ब्रांच चलाई है और हमारे ग्रुप की तकरीबन 12 ब्रांचेज ऑल ओवर हरियाणा और हरियाणा से बाहर भी चल रही है। तो वहाँ पे लोगों को अच्छा इलाज मिला है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हमसे प्रार्थना भी की या रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें थोड़ा सा लोकल एरिया में भी इस टाइप की सुविधाएँ प्रदान करें। और उसी वजह से ही हमने विचार किया है कि क्यों ना दादरी के साथ साथ बाड़ा में भी ऐसी ब्रांच चालू की जाए और लोगों को उनके बहुत ही नज़दीक घर के पास जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, इसलिए हमने इस ब्रांच को चालू किया। आपकी ब्रांच की ओपनिंग आज हुई है, तो आम लोगों को क्या सबसे बड़ा फ़ायदा होगा? देखिए, दो सबसे बड़ी सुविधाएँ आमजन को यहाँ के लोकल आदमी को मिलेंगी। एक तो ये कि लोकल एरिया में अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के साथ उनको अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी मेडिसिन वगैरह, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और उनके घर के नज़दीक होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे पैनल्स जो हैं, चाहे वो ECHS का पैनल है, ESI का पैनल है, आयुष्मान का पैनल है, हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल है, बिजली बोर्ड का पैनल है, SBI बैंक का पैनल है, सभी इंश्योरेंस कंपनियां जो TPO होती हैं उनका पैनल है। तो जो लाभार्थी नज़दीक नहीं होने की वजह से किसी दूर हॉस्पिटल पे, किसी दूर सेंटर पे जाते थे, अब उनको अपने घर में ये सुविधा मिल गई। वो लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि ऐसा कोई सेंटर आए जहां हमें सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, जहां पे हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ पैनल्स का भी लाभ मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि उनको एक तो सुविधाएं दें, साथ में पैनल की भी सुविधा वो यहां से अवेल कर सकते हैं। तो हमारा तो मेन मकसद है जी, सुचारू से इलाज करवाना, सस्ता तरीका जी। तो रिव्यू के आधार पर जब उन्होंने डिमांड की, हमसे रिक्वेस्ट की कि जी आप बाड़ा में भी क्यों नहीं इस टाइप की कोई ब्रांच स्टार्ट करते, वहाँ से हमें मोटिवेशन भी मिला है उन लोगों का जो हमारे आगे फीडबैक आया, और खासकर जो सकारात्मक फीडबैक आया उससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें यहाँ भी ओपन करना चाहिए, इसलिए हमने ओपन किया है। कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाती, वे जरूरी नहीं है हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे कि बाड़ा में अब ओस्कर की ब्रांच आ गई है, या जरूरी नहीं है कि हर आदमी को इस बात की जानकारी हो कि बाड़ा की जो ओस्कर की ब्रांच है उस पर लगभग सभी पैनल्स हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि एक मैसेज जाए बाड़ा के आसपास के लोकल लोगों को, संदेश मिले कि आप बाड़ा के अंदर ओस्कर हॉस्पिटल की एक नई यूनिट ओपन हो गई है, उसमें सारी चिकित्सीय सुविधाएँ आपको मिलेंगी, साथ के साथ सभी पैनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो आपके चैनल को जो लोग व्यू करेंगे, देखेंगे, उनको भी ये संदेश मिलेगा। और मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की मदद ही होगी लोगों की कहीं ना कहीं, जो आपके दर्शक हैं वो देख के यहाँ हमारे पास आएंगे। और कई दफ़ा क्या होता है कि आपके पास पैनल भी होता है, सुविधाएँ भी होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा साधन, मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि आपके माध्यम से भी कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी। तो अवश्य ही जूही रोड के ऊपर जो पेट्रोल पंप के सामने हमारी ओस्कर की ब्रांच है, वहाँ पे आएंगे और सभी पैनल्स का सुविधाओं का फायदा उठाएंगे। राजेश फोगाट का कहना है कि चरखी दादरी में अच्छी सुविधाएं देने में सफलता के बाद लोगों ने लगातार इन्हें रिव्यू दिया कि बाड़ा क्षेत्र में भी आप हॉस्पिटल की एक ब्रांच खोल लीजिए, ताकि जो दूर दराज गाँव के लोग दादरी पहुँचते हैं उन्हें इलाज करवाने में आसानी हो सके, और अपने आसपास क्षेत्र में अगर ब्रांच खुलती है तो वो समय पर चिकित्सक सुविधाएं ले सके। उनके रिव्यू और सकारात्मक रिस्पॉन्स के बाद इन्होंने बाड़ा के अंदर शुरुआत कर दी है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।